अमेठी लोकसभा भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी लगातार अपने अमेठी विजय अभियान में जुटी हुई हैं। पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक न्याय पंचायत में पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं और अमेठी से आगामी 6 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी को अधिक से अधिक मतों को जिताने की अपील कर रही है। अमेठी विधानसभा कुडवा गाँव में स्मृति ईरानी के पहुँचने से पहले वहाँ पर उपस्थित महिलाओं ने अपने हाथों में आशा वाजपेयी से कमल की मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगवाने वाली आशा वाजपेयी ने बताया कि यहाँ पर सभी एकत्रित हुई महिलाओं के हाथों में कमल के फूल की मेहंदी बनाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में जो हम लोगों की महिला प्रत्याशी हैं उसके लिए कमल के फूल की बटन दबाकर उसको विजयी बनाएं। हम लोगों का एक अभियान चल रहा है कमल मेहंदी अभियान, जिसमें हम आगामी होने वाले चुनाव के पहले पहले पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी महिलाओं के हाथ में कमल की मेहंदी से कमल का फूल बना देंगे। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। कितने लोगों को आयुष्मान भारत इसके बारे में पता है, गोल्ड कार्ड के बारे में? बेटा हमारा गांव जो है पूरे भारत आयुष्मान भारत के बारे में कितने लोगों ने सुना है, कितनों को कार्ड मिला है? अब जब गरीब परिवार में महिला माता जी कमल के मकान में पड़ी हुई है, जबकि 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात रहे और प्रधानमंत्री भारत के 5 साल रहे, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया देश की जनता के लिए किया। बड़े लोगों से पैसा जीएसटी के रूप में किसी लोग को इकट्ठा करके आपके विकास में, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे आपके अमेठी संसदीय क्षेत्र में 1,75,000 परिवारों के लिए करवाती है, जिसको कार्ड नहीं मिला है। आप सबका कार्ड कलेक्टर के ऑफिस में आ गया है, आप कलेक्टर से ये आप आज यहाँ पर लोगों के हाथ में कमल की मेहंदी लगा रही है, क्या आप संदेश देना? हम यहाँ पर सभी महिलाओं के एकत्रित हुई महिलाओं को कमल का फूल बनाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आने वाला चुनाव है इसमें हमारा प्रत्याशी महिला प्रत्याशी है, उनको कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। यही संदेश जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम लोगों का एक अभियान चल रहा है कमल मेहंदी अभियान, उसमें जनपद की एक एक महिला के हाथ में कमल मेहंदी बन जाएगी, कमल का फूल हम लोग बना देंगे। मोदी जी ने गैस दी, मोदी जी ने इज्जत घर दिया, 5 लाख की व्यवस्था करके दी है, किस्त कई किसानों की आ गई है, लेकिन मोदी जी का एक विशेष संदेश है सबके लिए 6 मई तक। कितने लोग कच्चे मकान में रहते हैं, अभी भी कच्चे मकान में कौन कौन रहता है, अभी सुन लो ये तारीख को कमल का बटन दबाइए और मेरे माध्यम से 2022 तक पक्का मकान पाइए।